मैं मनीष श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI पे हम खास एक नवाचार पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नवाचार क्या है। तो आज जिस नवाचार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लर्निंग थ्रू गेम्स यानी खेल खेल में शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा नवाचार है, एक गेम है जिसको हम लोग बोलते हैं सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी एक गेम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, डेली के जो लेसन से रिलेटेड चीज़ें हैं, अपना जो उनका बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी हम इस गेम के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये गेम खेलते कैसे हैं, कैसे इस गेम को आप अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर हम ज़रा बात करते हैं। तो लूडो गेम बनाने के लिए, जैसे नाम से हमें पता चलता है कि लूडो हमने अपने बचपन में खेला है, तो लूडो गेम में जिस तरह से स्नेक गेम होता है सेम उसी तरीके से आप चाहे तो चौक से या एक बड़े से पेपर पे भी इस गेम को बना सकते हैं, चार्ट पेपर पे, या आप चाहे तो इसको फ्लैक्स पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। तो चौक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को चौक देंगे और जिस तरह से गेम होता है उसी तरह से बोलेंगे कि आप देख के गेम को बना लो। जैसे एक से लेके 100 नंबर्स रहेंगे अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग बॉक्सेस में जिस तरह से लूडो के अंदर सांप होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उसी तरह से बच्चों को हम बोलेंगे कि तुम अलग अलग नंबर पे सांप और अलग अलग नंबर पे सीढ़ी बनाना। लेकिन ध्यान रखना कि इस जो गेम को आप बना रहे हो इसमें ज़्यादा सांप बनाना है और ज़्यादा सीढ़ियाँ बनानी है। बच्चे को हम गाइड करेंगे, बच्चे उसके हिसाब से बना लेंगे। बनाने के बाद इस गेम को हम कम से कम 2 बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इस गेम को हम स्टार्ट नॉर्मल गेम की तरह ही करेंगे जैसे हमने बचपन में लूडो खेला है। बच्चे जो इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे वो होम पे रहेंगे और जिस हमने जो गेम में जो डाइस पासे जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फेंकते हैं, वो हम नॉर्मली गेम में जो खेलते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो गेम है इसमें हमें पासे बनाने पड़ेंगे। इसमें हमको डाइस छक्का जिसको हम बोलते हैं वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लकड़ी के टुकड़े को काट के उसका उपयोग में ला सकते हैं या प्लास्टिक के बॉक्स मिल जाए, डब्बे मिल जाए, जिसको हम उपयोग करके उसको डाइस की तरह बना सकते हैं। उस पर हम 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखेंगे और जो बच्चा होम पे पहले होगा वो बच्चा उस डाइस को फेंकेगा। जैसे उसका 1 आता है वैसे ही बच्चा होम से निकल के 1 पे आएगा। लेकिन इस गेम में रूल्स क्या है कि बच्चे से सर क्वेश्चन करेंगे जो उन्होंने पूरे वीक में, जो उन्होंने उस वीक में जो भी सब्जेक्ट है जो उसको उन्होंने पढ़ाया उससे सब्जेक्ट से कोई एक क्वेश्चन करेंगे। अगर बच्चा राइट आंसर देगा तो ही वो होम से निकल के 1 पे आएगा, अगर रॉन्ग आंसर देगा तो बच्चा दोबारा होम में चला जाएगा, उसके बाद अगले बच्चे की बारी आएगी। ये इसी तरीके से गेम चलता रहेगा, जो बच्चा राइट देगा 1 आने के बाद वही निकलेगा। अगर मान लीजिए बच्चे ने राइट आंसर दे के 1 पे आ गया उसके बाद वो फिर से डाइस फेंकेगा, अगर उसका 5 आया तो वो फिर काउंट करेगा 2, 3, 4, 5, 6, वो नंबर 6 पे जाके वो बच्चा खड़ा हो जाएगा। अगर उस जगह पर उसको सीढ़ी मिलती है तो वो ऐसे भी सीढ़ी नहीं चलेगा जैसे नॉर्मली गेम में हम चलते हैं, उसको सही जवाब देके ही सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर उसको कहीं पे सांप काटता है तो नॉर्मली गेम में सांप काटता है तो हम नीचे चले जाते हैं, लेकिन इस गेम में क्या होगा कि अगर आपको सांप काट रहा है तो आप टीचर से लाइफ लाइन ले सकते हो। लाइफ लाइन में सर आपसे क्या पूछेंगे, क्वेश्चन जो उन्होंने पूरे वीक्स में पढ़ाया है। तो इस तरीके से हम एवरी स्टूडेंट को जज कर पा रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट ने पूरे सप्ताह में पढ़ाई किया है या नहीं किया है। और बच्चों की मानसिकता ऐसी है कि उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि हम एक्चुअली टेस्ट दे रहे हैं या हम अपने सर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसको गेम के पर्पस पे लेके उस चीज़ को खेल रहे हैं और बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर लाभ की बात करें तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, स्कूल के प्रति उनका एक झुकाव होता है और अच्छे से वो चीज़ों को समझ पाते हैं और टीचर का भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ये स्कूल में अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सरल नवाचार है। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।